फाइन। अब इसमें केस नंबर टू है जिसमें पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें हमने एग्जांपल ले लिया है, मेक सैंपल्स ऑफ साइज 3, तो सैंपल का साइज क्या है 3, फ्रॉम पॉपुलेशन 379, और पॉपुलेशन में भी कितने नंबर है 1, 2, 3, तो पॉपुलेशन का साइज भी क्या हुआ 3, तो सैंपल साइज भी 3, पॉपुलेशन साइज भी 3, इसका मतलब है कि कैपिटल एन स्मॉल एन ये इक्वल है। तो इसमें भी फार्मूला वही रहेगा, तरीका वही है, टोटल पॉसिबल सैंपल्स में कितने बनेंगे TPS, टोटल पॉसिबल सैंपल्स n पावर n, और वो हो जाएगा 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। अब क्योंकि सैंपल का साइज 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल में, यानी हर सैंपल में कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे। तो पहले नंबर को मैं कहता हूँ कॉलम 1, दूसरे नंबर को मैं कहता हूँ कॉलम 2, और तीसरे नंबर को मैं कहता हूँ कॉलम 3। तो इसका मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो अब पहला कॉलम कैसे फिल होगा, उसमें टोटल पॉसिबल सैंपल को कैपिटल एन से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3 9। पहले कॉलम में हर नंबर कितनी दफा आएगा, 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर फर्दर हम जो है 9 आया है, इसको फर्दर हम फिर कैपिटल एन से डिवाइड कर देंगे 9 बाय 3 3। सेकेंड कॉलम में हर नंबर 3 दफा आके, फिर नेक्स्ट नंबर 3 टाइम, फिर नेक्स्ट नंबर 3 टाइम, और फिर वो दोबारा रिपीटेशन होगी स्टोरी, लेकिन हर नंबर 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। और फिर तीसरा कॉलम, ये जो आंसर आया है इसको फिर कैपिटल एन से डिवाइड करना है, कैपिटल एन क्या है 3 है। आखिरी जो थर्ड कॉलम है, आखिरी जो थर्ड कॉलम है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, आखिरी कॉलम में हर नंबर 1 टाइम आएगा, और फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर दोबारा 1 टाइम आएगा, 1 टाइम यानी हर नंबर 1 टाइम आएगा और रिपीट होगा जाएगा, ठीक है। पहला जो हमारा कॉलम है उसमें हर नंबर कितनी दफा आएगा, 9 टाइम आएगा। पहला नंबर क्या है 3, 3 को 9 टाइम लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या है 7 है, 7 को 9 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो नंबर है वो क्या है 9 है, वो भी 9 टाइम्स लिखेंगे उसको भी। ये फर्स्ट हर सैंपल का पहला नंबर, यानी फर्स्ट कॉलम फिल हो गया। अब कोमे के बाद सेकंड कॉलम की बारी आएगी, सेकंड कॉलम में हर नंबर कितनी दफा आएगा 3 टाइम आएगा। अब 3 टाइम्स, पहले 3 को लिखें, 3 को 3 टाइम्स लिखा, अगला नंबर क्या है 7, 7 को 3 टाइम्स लिखा, अगला नंबर क्या है 9, 9 को 3 टाइम्स लिखा, फिर दोबारा रिपीटेशन 3 टाइम्स 7 3 टाइम्स और फिर 9 3 टाइम्स, फिर 9 के साथ भी ऐसा ही होगा 3 3 टाइम्स 7 3 टाइम्स और 9 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 फिल हो चुका है, हर सैंपल का कॉलम 1 कॉलम 2 फिल हो चुका है। कॉलम नंबर 3 की बारी है जिसमें हर नंबर, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये है थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम में हर नंबर कितनी दफा आएगा 1 टाइम 3 1 टाइम लिखना है, फिर 7 फिर 9 एंड तक चले गए 9 तक, फिर दोबारा रिवर्स को, फिर 3 0 3 7 9 3 7 9 3 7 9। अगर अब हम काउंट करें तो नजर आ रहा है कि 9 प्लस 9 प्लस 9 टोटल कितने सैंपल हो गए 27, ठीक है। इसके बाद आपका आया है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में पॉपुलेशन साइज जो है वो सैंपल साइज से क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया, मेक सैंपल्स ऑफ साइज 4 फ्रॉम पॉपुलेशन 6 7 8, पॉपुलेशन जो है वो 6 7 8 तीन नंबर्स पे मुश्तमिल है, तो कैपिटल एन क्या हुआ 3 और सैंपल साइज क्या हुआ 4, तो n पावर n 3 की पावर 4 81, टोटल सैंपल कितने बनेंगे 81। अब हमने क्या किया, टीपीएस को कैपिटल एन से डिवाइड किया, 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 आया। पहला जो कॉलम आपने फिल करना था उसमें हर नंबर कितनी दफा आना था 27 टाइम्स, तो मैंने देखिए पहले से फिल कर लिए, ठीक है। 6 को 27 टाइम लिखा, फिर 7 को 27 टाइम लिखा, फिर 8 को 27 टाइम लिखा। अब कोमे के बाद
दूसरा कॉलम, क्योंकि सैंपल साइज क्या है 4 है, तो इसमें कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम, यानी हर सैंपल में 4 नंबर होंगे। पहला कॉलम फेल हो गया, फिर 27 कैपिटल से डिवाइड किया तो 9 आ गया। अब दूसरे कॉलम में हर नंबर कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो पहले है 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगला नंबर 7 वो भी 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर लास्ट नंबर 8 है वो भी 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस 9 को कैपिटल से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 3 आया। अब हर नंबर 3 टाइम्स आएगा तीसरे कॉलम में, 1 2 3 4 5 6, सॉरी कितनी दफा लिखा, 3 टाइम्स, तो हर नंबर कितनी दफा आएगा, 3 टाइम्स आएगा। 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब तीन कॉलम्स हो चुके हैं हमारे, फिर सैंपल के तीन कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 फिल हो चुका है। कॉलम नंबर 4 है तो उसमें देखिए 3 कैपिटल से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 1। अब लास्ट वाले कॉलम में हर नंबर एक दफा आएगा और फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर ये 1 टाइम आके रिपीट होगा। तो देखिए जी 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8। इसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी दे दिए हैं। केस नंबर 1, पॉपुलेशन है एबीसीडी और सैंपल साइज क्या है 2। केस नंबर 2, पॉपुलेशन सेम है एबीसीडी और सैंपल साइज क्या है 4। और केस नंबर 3, पॉपुलेशन है ए बी ई और सैंपल साइज है 4। ठीक है, तो ये तीनों केसेस जो आज हमने किए, साथ ही इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज के 3 सवाल दे दिए। ठीक है।